गुड इवनिंग गाइज। और ये जो भाई आज हम गाड़ी चला रहे हैं भाई, ड्राइव इंप्रेशन जिस गाड़ी का ले रहे हैं वो रेनो की तरफ से आने वाली सबसे सस्ती 7 सीटर MUV आप कह सकते हो इस गाड़ी को। सबसे इंडिया की चीपेस्ट 7 सीटर MUV है, जिसका नाम है भाई ट्राइबर RXL ड्यूल टोन टॉप एंड वेरिएंट। भाई आप इस गाड़ी का देख रहे हो, और चलाते में सबसे पहले ही मैंने नोटिस किया भाई इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है इतनी लाइट है, मतलब अगर आप गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील के रिस्पांस अगर पूछोगे तो भाई वो उतनी अच्छी ये गाड़ी नहीं दे पाती है। जिस हिसाब से गाड़ी इतनी बड़ी है और उस हिसाब से भाई इसकी जो स्टीयरिंग व्हील की रिस्पांस है वो काफ़ी थोड़ी कम है, बट लेकिन भाई ठीक है एक फैमिली कार के हिसाब से। और जैसा कि आप देख सकते हो भाई गाइस, ये जो गाड़ी है टॉप एंड वेरिएंट है, तो इस गाड़ी में सारा कुछ आपको फीचर्स दे दिया जाता है। प्लस भाई इस गाड़ी की जो BHP आप कह सकते हो, तो ये 71 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करती है 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ, जो कि ऑलमोस्ट सही टाइप का है भाई फैमिली कार के हिसाब से, लेकिन उतनी भी नहीं है। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक अंडर पावर कार है, 7 सीटर्स को अगर 7 पर्सन्स को अगर बैठा लेते हो तो थोड़ी अंडर पावर ये हो जाती है। लेकिन अगर आप चीपेस्ट बजट में देख रहे हो एक 7 सीटर MUV, तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। बाकी आप जो ये रोड देख रहे हो भाई, उक्कड़ खावड़ा वाली रोड है, उसमें ये गाड़ी बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करती है। गाड़ी के अंदर कुछ भी नॉइज़ नहीं आता रैकलिंग का, बस भाई जो भी इसकी नॉइज़ है वो इसके इंजन से आती है, और इसके जो टायर की नॉइज़ है बस वो सारी केविन के अंदर आ जाती है थोड़ी थोड़ी। बाकी भाई गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी पूरी खुली खुली है, इतनी खुली खुली भाई ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं दिखते हैं, एक ज़रा सा भी नहीं दिखते हैं। इसकी भाई सबसे अच्छी बात करूँ तो इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है, ये जर्क से निकल लेती है, और सस्पेंशन काफ़ी इसकी लाइट भी है और काफ़ी कम्फर्ट देती है। मतलब पीछे वाले रो में जो बंदे बैठते होंगे उनको उतना दिक्कत नहीं आती होगी। गाड़ी में हल्की फुल्की वाइब्रेशंस की आपको शिकायत देखने को मिल जाएगी, लेकिन उतनी नहीं है भाई, जैसे कि टाटा की गाड़ियों में वाइब्रेशंस आती है वैसी आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि भाई 7 सीटर है तो थोड़ी सी अंडर पावर कार है जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, इसकी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है भाई। जैसे कि अब डस्टन गो प्लस एक आती भी थी तो वो अब तो डिसकंटिन्यू हो ही गई है लगभग। और भाई इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 6.25 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 8 लाख 8.5 लाख तक जाती है। भाई ये जो आप वेरियंट देख रहे हो ये तो टॉप एंड वेरियंट है। आपको भाई ड्राइवर की सेलिंग की बात मैं करता हूँ तो बहुत ज़्यादा सेल होती है, मार्केट वगैरह के लिए परफेक्ट कार है, परफेक्ट फैमिली कार है। और जहाँ तक माइलेज की बात करें तो भाई आराम से आपको माइलेज भी अच्छी खासी निकाल कर दे देती है। कंपनी क्लेम करती है 2021 KMPL, और भाई रियल लाइफ में भी ये 18-19 की आराम से देती है, हाईवे पे 20-20 भी देती है। और भाई साहब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी उखड़ खाबड़ वाली रोड है, लेकिन इस गाड़ी की सस्पेंशन इतनी अच्छी है कि आराम से निकल जाती है भाई, फील भी नहीं होता एक ज़रा सा भी। यहाँ तक इसके इंजन की बात करें अगर हम, तो इंजन एक साइड में भाई थोड़ी सी तो नॉइज़ करती है, हालांकि ड्राइवर की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो इसकी इंजन की नॉइज़ है वो बाहर से तो ज़्यादा सुनाई देती है, बट हाँ केबिन तक भाई इंजन की नॉइज़ उतनी नहीं आती है, हल्की फुल्की आएगी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा, बट केबिन तक इसकी उतनी नॉइज़ नहीं आती है। हालाँकि ये भाई बाहर से अच्छी खासी इंजन इसकी नॉइज़ करती है। सबसे अच्छी बात करूँ भाई इसके AC की प्लेसमेंट की, तो आप देख सकते हो जैसे अर्टिगा वगैरह में भी पीछे के पिलर्स में आपको देखने को मिलती है, वैसे ही भाई ट्राइबर में आपको साइड पिलर्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी AC। और बैक में भी जो थर्ड रो की सीट है उसमें भी आपको AC के प्लेसमेंट दी गई है, जो कि रेनॉल्ट की तरफ से काफ़ी कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से गाड़ी को बनाया गया है। जिस हिसाब से भाई इसकी पावर की फिगर है मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि जो भी बंदे भाई अगर रफ ड्राइविंग करना चाहते हैं और थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की ड्राइविंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से तो ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है, बट फैमिली एक परफेक्ट 7 सीटर फैमिली कार देख रहे हो वो भी कम बजट में एकदम चीपेस्ट में, तो उनके लिए वो काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। देखने में भाई ट्राइबर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है, आपको यहाँ पर 8 इंचज का इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको मैनुअली AC आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में भाई, और 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन बॉक्स देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक भी आती है, ऑटोमेटिक इसकी काफ़ी अच्छी है भाई।
हाँ ये बात मैं कह सकता हूँ, रेनॉल्ट वालों ने गाड़ी को ट्यूनअप बहुत अच्छे से किया गया है, बस थोड़ी मोड़ी मोड्स वगैरह की कमी हो जाती है गाड़ी में, देख लो आप कट्स भी अच्छी ले रही है गाड़ी। गियर बॉक्स की रिफाइनमेंट की बात करें तो थोड़ी सी आपको हार्ड गियर बॉक्स देखने को मिलती है इस गाड़ी में, और जैसे ही हम फर्स्ट गियर से अचानक से सेकंड गियर पे स्विच करते हैं गाड़ी की इंजन काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करती है, और कट्स वगैरह में काफ़ी अच्छी है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी टर्निंग रेडियस है, मतलब छोटे से छोटे टर्न में आराम से गाड़ी घूम जाती है। बट हाँ भाई, इनिशियल आपको एकदम देखने को नहीं मिलेगी, बट धीरे धीरे अगर आप गाड़ी को रेव करते रहोगे तो भाई आपको एक अच्छी खासी स्पीड अचीव कर सकते हो। गाड़ी की रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई ठीक है भाई, गाड़ी की रिफाइनमेंट अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको थर्ड और फोर्थ गियर में उठाने में, गाड़ी वाइब्रेट करती है हल्की हल्की। और भाई गाड़ी का कुछ रिव्यू ऐसा ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।